हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक कमेंट में। मैं आपका दोस्त और डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट डिजिटल में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्प्ले ऐड के बारे में बात किया था, आज मैं बहुत ही अच्छी टॉपिक लेके आया हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो मैं बात करने जा रहा हूँ टारगेटिंग ऑप्शंस, जो डिस्प्ले एड्स का होता है। तो टारगेटिंग ऑप्शंस अगर आप एक बार समझ गए ना, तो आपका एड बहुत ही अच्छा चलेगा और आप जब भी कहोगे बहुत ही अच्छा आप कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगा, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। तो करते हैं, आते हैं अपने गूगल एड्स पे। ये देखिए, हम गूगल एड्स पे आ गए। एक ऐड बनाते हैं, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोस्ट गाइडेंस। अभी इस वीडियो में आपको सिर्फ टारगेटिंग ऑप्शन बताऊंगा मैं। एड्स कैसे बनाना है ये आपको बाद में बताऊंगा, तो अभी आपको प्रैक्टिकल कीजिएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं डिस्प्ले ऐड। जैसा मैंने बताया था, मैं इसे कंटिन्यू कर देता हूँ। स्टैंडर्ड डिस्प्ले कैंपेन, हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डिस्प्ले कैंपेन और स्मार्ट डिस्प्ले कैंपेन है, हम स्टैंडर्ड डिस्प्ले कैंपेन की बात करते हैं। ये लोकेशन सब की बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले ऑडियंस, हमें दो तरह के ऑडियंस टारगेट करने होते हैं। एक पीपल, लोगों को टारगेट करना होता है कि किस तरह के लोगों को हम ऐड दिखाएंगे। दूसरा प्लेसमेंट, इन दो पॉइंट को आप ध्यान में रख के तब आप हम एक एक करके दोनों पे बात करने वाले हैं आज। ये देखिए, हम आते हैं, हमने नेक्स्ट कर दिया। एड टारगेटिंग के ऊपर हम आते हैं, एड टारगेटिंग के ऊपर। एड टारगेटिंग में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। ये देखिए, ऑडियंस सेगमेंट, डेमोग्राफिक, कीवर्ड्स, टॉपिक्स, प्लेसमेंट। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो इसके अंदर आपको मिलेगा। सबसे पहले डेमोग्राफिक्स में हम चलते हैं। सबसे पहले हम ऑडियंस सेगमेंट में चलते हैं। ये देखिए, आपको पीपल का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो इसमें जो ऑप्शन हमें मिलते हैं, हु दे आर, वो कौन है, डिटेल डेमोग्राफिक्स के अंतर्गत आता है। व्हाट देयर इंटरेस्ट एंड हैबिट आर, उनका इंटरेस्ट और हैबिट क्या है। व्हाट दे आर एक्टिवली रिसर्चिंग और प्लानिंग, वो किस चीज के लिए रिसर्च और प्लानिंग कर रहे हैं। हाउ दे हैव इंटरेक्टेड विथ योर बिजनेस, वो अब आपके बिजनेस के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। जो कंबाइंड ऑडियंस सेगमेंट, आपका जो ऑडियंस सेगमेंट है उसको कंबाइंड, जो कस्टम ऑडियंस सेगमेंट। तो हम एक एक करके देखते हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। अगर ये समझ गए तो आप बहुत ही अच्छा एड्स बना सकते हो। हु दे आर, हु दे आर में फिर सब कैटेगरी आती है, पेरेंटल स्टेटस, पहले मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, होम ओनरशिप स्टेटस। अब हम बात करते हैं पेरेंटल स्टेटस में। पेरेंट्स में हम देखते हैं, पेरेंट्स ऑफ इन्फेंट्स 0 से 1 ईयर, पेरेंट्स ऑफ टोडलर्स 1 से 3 ईयर्स जो कार्टून देखते हैं, या पेरेंट्स ऑफ प्री स्कूलर्स जो स्कूल जाने से पहले, पेरेंट्स ऑफ ग्रेट स्कूलर्स 6 से 12 साल, और पेरेंट्स ऑफ टीन्स 13 to 17 ईयर्स। हम किस तरह के लोगों को, किस तरह के बच्चे को हम ऐड दिखाना चाहते हैं। अब आपको जो भी ऐड चलाना है उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान करना होगा कि हम इसमें किस तरह के, हमारा प्रोडक्ट जो है वो कौन परचेज करेगा। अगला है मैरिटल स्टेटस, अगला है मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस में आदमी सिंगल हो सकते हैं, इन रिलेशनशिप हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, तीनों तरह के हो सकते हैं। तो
आपको अपने प्रोडक्ट के हिसाब से टारगेट करना होगा। अभी जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करूं, मैंने हगीज की बात की, तो हगीज बच्चों के लिए यूज होता है, तो क्या वो सिंगर वाले परचेज करेंगे, क्या वो इनोवेशनशिप वाले परचेज करेंगे, तो हमें किसको टारगेट करना है, मैरिड को। अब एजुकेशन की तरफ चलते हैं। एजुकेशन करंट कॉलेज या स्टूडेंट, वो कॉलेज या स्टूडेंट हैं अभी एज स्टडी कर रहे कॉलेज में, हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशनल अटेनमेंट, यहाँ भी बहुत सारे हाई स्कूल बैचलर डिग्री एडवांस, अब जिसको भी टारगेट करना चाहिए आप उसको चूज कर सकते हैं। अगला होम ओनरशिप स्टेटस, होम ओनर्स है या रेंटर्स है, इस तरीके से आप डिटेल्स डेमोग्राफिक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। अब इसे मैं बंद करता हूँ और दूसरे पॉइंट की ओर जाते हैं। वो दे आप समझिए व्हाट देयर इंटरेस्ट एंड हैबिट्स आर, उनका इंटरेस्ट क्या है। सपोज मैं बात करता हूँ, मैं किसी ऐसे बंदे की बात कर रहा हूँ, अगर मुझे डिजिटल मार्केटिंग ये करना है, कोर्स बेचना है, तो मैं कैसे लोगों को टारगेट करूंगा जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। तो एफिनिटी सेगमेंट में बहुत सारी चीजें आती है, बैंकिंग एंड फाइनेंस, ब्यूटी एंड वेलनेस, फूड एंड डाइनिंग, होम एंड गार्डन, लाइफ एक्टर्स एंड हॉबीज, मीडिया एंड इंटरटेनमेंट, न्यूज एंड पॉलिटिक्स, शॉपर्स, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, टेक्नोलॉजी, ट्रेवल्स, पैकेजेस, ट्रेवल्स जो ट्रेवल्स में ये करते हैं, इसके भी बहुत सारे ये बिजनेस ट्रेवल्स हो सकते हैं, ट्रेवल्स बफ हो सकते हैं जो बिजनेस के लिए ट्रेवल्स करते हैं, दैट विल बी टारगेटेड इन बिजनेस ट्रेवल्स एंड इन अनदर वन ट्रेवल बफ, तो आपको टारगेट करना है। एक बार देखते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस में एविड इन्वेस्टर्स है। अब ये देखिए इसमें ना एविड इन्वेस्टर्स में कौन कौन आते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग, कमर्शियल प्रॉपर्टी फॉर रेंट, कमर्शियल प्रॉपर्टी, टॉप यूट्यूब कैटेगरी, इन्वेस्टिंग, फाइनेंस, बाय प्लांट। आपको जो भी सेक्टर है आपका, अगर मैं ब्यूटी एंड वेलनेस की बात करता हूँ, तो ब्यूटी फ्रीक्वेंसी विजिट सेल्स, जो फ्रीक्वेंटली सेल्स में जाते हैं उनको आप एंटीवायरस एंड सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, बहुत सारे हैं, फ्रीक्वेंटली अटेंड लाइव इवेंट्स, ये सब करते रहते हैं, कार्डियो ट्रेनिंग इक्विपमेंट, तो ऐसे बहुत सारे हैं। यूट्यूब मेवेंस में भी देख लेते हैं, यह आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, टॉप रेटेड ऑडियंस सेगमेंट, मैनिक्योर्स एंड पेडिक्योर्स, एंटी एजिंग स्किन केयर प्रोडक्ट, फेशियल क्लींजर एंड मेकअप रिमूवर्स, तो इस तरीके से आपको जो बहुत सारे आप कर सकते हैं। अब ब्यूटी एंड वेलनेस के बाद हम बात करते हैं फूड एंड डाइनिंग की। फूड एंड डाइनिंग में कॉफी शॉप जो रेगुलर विजिट करते हैं, कुकिंग में ये है जो कुकिंग करना चाहते हैं, फास्ट फूड ट्रेवल्स है, फूडीज है, इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन है, 30 मिनट से एक्सपायरिंग से, तो आपको फास्ट फूड जो ट्रेवल्स में भी और ऐसे ऑप्शंस आएंगे। ये देखिए यहाँ पे फैंस ऑफ अमेरिकन फूड बॉस, तो इस तरीके से आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। अब होम एंड गार्डन्स में चलते हैं, डू इट योर सेल्फर्स, डू इट योर सेल्फर्स, आप जो खुद से करना चाहते हैं, होम डेकोर का भी बात करते हैं। अब लाइफ स्टाइल एंड हॉबीज है, बहुत सारे है, आर्ट एंड थिएटर, अगर मैं इसे बताना तो आप एक एक करके मीडिया में देख सकते हैं, बुक लवर्स, कॉमिक्स एंड एनिमेशन फैंस, गेमर्स, लाइव टीवी व्यूअर्स, जो इंटरेस्ट रखते हैं इन चीजों में, अगर आप मूवी लवर्स को मूवी बेचना चाहते हैं, म्यूजिक लवर्स को म्यूजिक का साइट दिए, तो वो ऑब्वियस सी बात है वो परचेज करेंगे, न्यूज एंड पॉलिटिक्स। तो आपको ये समझ में आ गया व्हाट देयर इंटरेस्ट एंड हैबिट आर, एफिनिटी का मतलब कि किसमें वो इंटरेस्ट और उनका हैबिट क्या है, अब व्हाट दे आर एक्टिविटी,
तो इसमें इन मार्केट सेगमेंट आता है कि मार्केट से क्या क्या परचेज करते हैं, तो आपको बहुत सारे लिस्ट देखे हैं, अपेरल्स एंड एसेसरीज, आर्ट्स एंड क्राफ्ट सप्लाईज, ऑटोज एंड व्हीकल्स, बेबी एंड चिल्ड्रन प्रोडक्ट, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, बिजनेस सर्विसेज, कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल्स, कंज्यूमर। तो इस तरीके से ये लोग जो है, आप रियल एस्टेट में घर दिखाना चाहते हो तो आप देखो रियल एस्टेट में भी कमर्शियल प्रॉपर्टी दिखाना चाहते हो, मूविंग एंड रिलोकेशन दिखाना चाहते हो, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी दिखाना चाहते हो, तो आप बहुत रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी फॉर सेल, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज फॉर सेल, मूविंग एंड रिलोकेशन में देखो आप, इसके सब कैटेगरी नहीं है। कमर्शियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी फॉर रेंट, कमर्शियल प्रॉपर्टी फॉर सेल्स, तो इस तरीके से आपको बहुत सारे एड्स मिलेंगे। अगर आप सीजनल शॉपिंग की बात करें या सॉफ्टवेयर, चलिए मैं एक बार सॉफ्टवेयर में दिखाता हूँ। सॉफ्टवेयर में क्या क्या ऑप्शंस है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो अभी हाल फिलहाल में एक्टिवली रिसर्चिंग ऑफ मनी, एंटीवायरस एंड सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, ऑडियो एंड म्यूजिक सॉफ्टवेयर, बिजनेस एंड प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, डिजाइन सॉफ्टवेयर, वीडियो एडिटिंग एंड प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर, तो इस तरह के लोगों को आपको टारगेट कर सकते हैं। अब अगला आता है हाउ दे हैव इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस, योर डाटा एंड सिमिलर सेगमेंट, जो आपके वेबसाइट पे विजिटर्स है, जो आपके वेबसाइट के लैंडिंग पेज को देखे है, तो इस तरीके से उस कस्टमर को हम और उनके जैसे कस्टमर को हम टारगेट कर सकते हैं। अगला है जो कंबाइंड ऑडियंस सेगमेंट, इसमें आपके ऑडियंस सेगमेंट को कंबाइन करना होता है, और उससे अगर ये कस्टम ऑडियंस सेगमेंट, उसके बाद टेस्ट कस्टम ऑडियंस से ये है, तो ऐसे आपको हर एक पॉइंट को समझना होगा। अब डेमोग्राफिक्स, ये देखिए किस तरह के पैरेंटल स्टेटस, किस तरह के को हम टारगेट कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि डिस्प्ले ऐड ऐसा ऐड है, और जैसा मैंने पीछे वीडियो में बताया था, इसमें 98% लोग जो है एड डिस्प्ले ऐड ही चलाते हैं। ऑप्टिमाइज टारगेटिंग, फिर एड टारगेटिंग में टॉपिक्स की बात करते हैं, किस टॉपिक पे वो ये करना चाहते हैं, सजेस्टेड वेब पेज एप्स एंड वीडियो अबाउट सर्टेन टॉपिक्स, ऑटो एंड व्हीकल्स है, फाइनेंस है, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें वो जो है आपका इस टॉपिक पे आप अपने वीडियो दिखाना चाहते हैं। अगर प्लेसमेंट, अब मैंने जैसे बात किया था, पहला पीपल, तो पीपल के बारे में आपको आइडिया लग गया होगा, मैं अभी आपको एड्स चलाने के लिए नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा प्रैक्टिकल करने के लिए, एड्स हम बनाना बाद में सीखेंगे। अब ये देखिए, सपोज मैंने पीछे वीडियो में बताया था कि प्लेसमेंट कहाँ पे करना है, तो आप वेबसाइट पे प्लेसमेंट करना चाहते हो तो आप वेबसाइट डाल सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ, मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, अगर मैं इस वेबसाइट पे डालना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक वॉइस, मैं इस वेबसाइट को ये कर सकता हूँ, टारगेट कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं ऐड दिखा सकता हूँ, ये देखिए मैं आपका जो भी वेबसाइट है, आप वेबसाइट के ऊपर ये देखिए, मैं इसको टारगेट कर देता हूँ, तो आप एड प्लेसमेंट ऑफ कर सकते हैं। आप ये देखिए ESPN की किन को आप इस पे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो
वेबसाइट के ऊपर जिस पे आपको लगाना है उस पे आप यूट्यूब चैनल, अगर आप किसी की यूट्यूब चैनल पे अपना एड्स को चलाना चाहते हैं तो आप वो भी टारगेट कर सकते हैं। अगला है यूट्यूब वीडियो, किसी की यूट्यूब वीडियो पे चलाना है तो एक पार्टिकुलर वीडियो एस पे चलाना है, एस कैटेगरी पे चलाना है। ये देखिए एस कैटेगरी कितने हैं, बहुत सारे हैं। ये बुक्स का है, बिजनेस का है, एजुकेशन का है, तो बहुत सारी चीजें हैं, इंटरटेनमेंट, वो हेल्थ एंड फिटनेस, तो इस तरीके से आप एड्स कर सकते हैं। तो दोस्तों आई थिंक आज के वीडियो में समझ में आया होगा, आप भी अगर गूगल एड्स या डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज लेना चाहते हैं तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही।